Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha. आज का जो वीडियो है that is related to another review. जो प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू करना चाह रही हूँ, ये मैं इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि एक्सपायर होने वाला और मैंने अभी तक इसको खत्म भी नहीं किया और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं भूल गई इसको यूज करना. तो चलिए मैं अपना रिव्यू शेयर करती हूँ आपके साथ. जो प्रोडक्ट है दैट इज यूथफुल हाइड्रेटिंग क्लींजिंग मास्क विद वाटर बैंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज विद मॉइस्चर बूस्टिंग मैरीन मिनरल्स. ये माइग्लैम का है. लुक एट इट्स पैकेजिंग. मैं तो इसकी पैकेजिंग पे मर गई थी. ये फुल टब है अभी भी, पता है मैंने हार्डली 3 से 4 बार ही इसको यूज किया है, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसका रिव्यू मैं शेयर कर दूं. तो अभी मैं चाय पीने का सोच रही थी, पर मुझे लगा चाय पीने से पहले एक ज्यादा जरूरी काम है ये कि मैं इसका रिव्यू कर दूं. अब इसके एक्सपायर होने में भी 1 मंथ पड़ा है, लेकिन मुझे ये था कि मैं इसका रिव्यू शेयर कर दूं क्योंकि उसके बाद तो मैं इसको फेंकने वाली हूँ या इसको मैं बॉडी पे यूज करूंगी, अपने फेस पे यूज नहीं करूंगी. ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. वो देखो मेरी बेबी की हार्ट, वो ना उसके लिए हार्ट खरीदी थी हमने, बहुत क्यूट है वो. तो चलिए स्टार्ट विद द रिव्यू. इस तरीके की पैकेजिंग आपको मिल जाती है. इसका मैं कैप उतार देती हूँ. दिस इज द प्रोडक्ट इनसाइड इट. प्रोडक्ट तो बहुत कम देते हैं ये. इसका प्राइस है मेरे ख्याल से 1100 कुछ, और अभी ऑफ पे आपको ये मिल जाएगा 710-711 रुपए का. इसकी 50 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी है इसकी. ये देखिए मैं ऐसे भी करती हूँ, आता नहीं, इतना अच्छा जेल है इसमें, लेकिन कुछ कमियां भी है वो मैं आपको बताती हूँ. इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ. इसको थोड़ी से अमाउंट में लेना है लाइक दिस. अभी मेरे फेस पे थोड़ा सा मेकअप है और इसको सीधा अपने फेस के ऊपर हमने अप्लाई कर लेना है. मैं विद मेकअप लगा रही हूँ, लेकिन आप इसको विदाउट मेकअप लगाएं तो ज्यादा बेटर है. मैं इसको मेकअप के साथ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि मेकअप भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है. ये क्लींजिंग मास्क ही है, लेकिन क्लींजिंग मास्क को हम मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज ना करें तो बेटर है. अब इसको मैंने लगा लिया और इसको अब मैंने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए. आप अपनी आईज से थोड़ा सा दूर ही रखें. नाउ आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स, देन आई विल कम बैक एंड आई विल एक्सफोलिएट माय फेस. तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स हैं, देन आई विल शो यू. राइट नाउ इट हैज 10 मिनट्स ऑलरेडी. तो अब करना क्या है, जब भी मास्क आपने फेस पे लगा लेना, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेना है और अपने फेस पे ऐसे करके इसको करना शुरू कर देना है. ये एक्सफोलिएट करेगा, आपको लगेगा कि इसमें पार्टिकल आपके फेस के ऊपर कुछ स्क्रब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. दिस क्लींजिंग मास्क विद फुल वाटर बैंड टेक्नोलॉजी एंड मैरीन कॉम्प्लेक्स 5. अगर हम बात करें कि मैरीन 5 कॉम्प्लेक्स क्या है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ग्रीन सीवीड, जूनिपर, ब्राउन सीवीड एंड ग्लासवॉट. ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं और क्लींस कर रहे हैं हमारे पोर्स को. उसके अलावा इसमें वाटर है, ग्लाइसरीन है, सोडियम है. इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं. इसे लिपस्टिक बिल्कुल ही रिमूव कर दी है, इतने अच्छे तरीके से इसने क्लीन कर दिया है. बट नाउ कम टू द ड्रॉबैक. ये क्रूल्टी फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, कंटेन्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट, सिलिकन फ्री है. जब मैंने इसको खरीदा था इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं था किस स्किन को सूटेबल है, तो मैंने इसको खरीद लिया. सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स होगा, बट इन समर इट इज नॉट गुड टू यूज. वॉश करने के बाद थोड़ा सा ऑयलीनेस आपको लग सकता है. ऑयलीनेस नहीं कह सकते, यू कैन से कि आपको लगेगा कि आई अप्लाइड सम मॉइस्चर, क्योंकि इसका काम ही है मॉइस्चर भी प्रोवाइड करना स्किन को. लेकिन समर मुझे इतना पसंद नहीं आया था उस टाइम. बट अगर मैं बात करूं सर्दियों में यूज करने के लिए, ये बेस्ट प्रोडक्ट है एंड इट वुड बी सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स, नो डाउट. ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं. अभी आप देख सकते हैं इसने मेरी स्किन को कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है और मेरा स्किन मॉइस्चराइज्ड है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है ये अप्लाई करने के बाद. अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फेस के ऊपर, लेकिन गर्मियों में यूज करने के लिए मुझे ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगता है. आप बोल सकते हैं कि ड्राई स्किन वाले नॉर्मल वाले भी यूज कर सकते हैं. अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन पर्सन लाइक मी तो यूज इट ओवर हेयर ओनली, यहां पर मत करना क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली सा लग सकता है. मे बी किसी को ना लगे, मुझे लगा था. तो दिस इज द ओनली ड्रॉबैक मेरे को इसका लगा. इट इज अ गुड प्रोडक्ट नो डाउट, बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही लग्जूरियस इसका फील आता है. अभी तो बहुत डिस्काउंट पे लगा हुआ है. अगर आपको क्लेंज, एक्सफोलिएट और स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना है एक ही प्रोडक्ट के साथ, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट. इट इज वर्थ परचेजिंग, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू ऑयली स्किन पर्सन. सर्दियों में यू कैन ट्राई, बट गर्मियों में सोचना भी मत. कॉम्बिनेशन वाले भी थोड़े पहले पैच टेस्ट कर लेना अगर आपको लगे तो, लेकिन सर्दियों में यूज करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. जल्दी जल्दी रिव्यू दे रही हूँ मैं क्योंकि
प्रोडक्ट अच्छा था यार, मेरा रह गया, मैं मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मैं इसके इसकी बॉटल नहीं फेंकने वाली, बहुत प्यारा है इनकी माइक लैम की ना बॉटल्स बहुत प्यारी रहती है। दिस वॉज माई रिव्यू गाइज, आई होप यू लाइक इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।